नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम डिकोड कर रहे हैं म्यूचुअल फ़ंड को पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात की म्यूचुअल फंड के बारे में वो क्या होते हैं कैसे काम करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक को समझना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को चेक कर सकते हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में यानी कि म्यूचुअल फंड में आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं कौन कौन से मेथड हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को और डिकोड करते हैं इन्वेस्टमेंट मेथड्स को तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के दो मेथड्स होते हैं हम दो तरीक़ों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं पहला होता है लमसम और दूसरा होता है एस यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अब लमसम क्या है जहाँ पर हम एक अमाउंट एक साथ इकट्ठा कर देते हैं उसे आप लमसम कह सकते हैं इसे इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है वहाँ से आपको 20 लाख रुपए मिले हैं अब इस 20 लाख को आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ये 20 लाख आपने एक साथ कहीं इन्वेस्ट कर दिए तो इसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा दूसरा होता है एस यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये कैसे काम करता है इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं पीरियोडिकली एक फिक्स्ड अमाउंट मान लीजिए कि मुझे लगता है कि आ, महीने भर में मैं हज़ार रुपये सेव कर लेती हूँ और इन हज़ार रुपयों को मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं अपने अकॉर्डिंगली कोई भी अच्छा एस कोई भी अच्छा स्कीम देख के एस स्टार्ट कर सकती हूँ और हज़ार हज़ार रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकती हूँ अब आप इन्हें अलग अलग पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट की जा सकती है वीकली की जा सकती है क्वार्टरली की जा सकती है और कभी कभार कुछ स्कीम्स आपको ईयरली एस भी ऑफर करती हैं तो ये तो था एस अब बात करते हैं कि एस काम किस तरीके से करता है इसे इस एग्जाम्पल से समझिए मान लीजिए आप मंथली किसी एस में पंद्रह सौ डाल रहे हैं अब इन पंद्रह सौ रुपयों के बदले आपको कुछ यूनिट्स अलॉट की जाएंगी सपोज जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसका नेट एसेट वैल्यू पंद्रह रुपये है तो इसके हिसाब से आपको सौ यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी अब अगर नेक्स्ट ईयर इस म्यूचुअल फंड का एन ए वी बढ़ के बीस रुपये हो जाता है तो आपके पास थी सौ यूनिट्स जिनकी अब प्रेजेंट में वैल्यू हो गई है दो हज़ार रुपये तो इस तरीके से एस आपके लिए काम करता है वेल्थ जनरेशन का तो अब हमने बात कर ली है कि ये क्या होता है किस तरीके से काम करता है तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में एस का सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है कि आपको मार्केट को मॉनिटर नहीं करना पड़ता है अप्स एंड डाउन्स इन सब का ध्यान रखने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है तो हम उसी में कायम रहेंगे तो अब आप कहेंगे कि अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि हमें नुकसान हो जाए जी नहीं लॉन्ग टर्म में ऐसा अक्सर नहीं होता है क्योंकि कॉस्ट एवरेजिंग एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है तो आपका जो रिस्क है वो एवरेज आउट हो जाता है मान लीजिए कि इस महीने मैं हजार रुपए इन्वेस्ट करती हूं जिसपे मुझे दो सौ रुपए का लॉस हो जाता है अगले महीने मैंने फिर हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए जिसपे मुझे छः सौ रुपये का गेन हुआ तो आप देखेंगे कि मेरा इनिशियल जो अमाउंट है जो टोटल अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है वो दो हज़ार है और उसके बाद जो मुझे रिटर्न मिला है वो दो हज़ार चार सौ रुपये है तो इसे जब हम लॉन्ग टर्म में समझने की कोशिश करते हैं तो नुकसान के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं इसके बाद जो एडवांटेज है वो है कंपाउंडिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का आठवां अजूबा है इसे मैं साधारण भाषा में इस एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ सपोज़ हमने एक महीने में पचास हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए हैं जिस पे हमें दस परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट है वो पचपन हज़ार रुपये हो गया इनिशियल अमाउंट और उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट इन दोनों को मैंने री कर दिया अब अगले साल मुझे फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है दस परसेंट तो अब मेरे पास जो फाइनल अमाउंट हो जाता है वो होता है साठ हजार पाँच सौ रुपये इस तरीके से जब आप अपने इनिशियल अमाउंट प्लस अपने रिटर्न को री इन्वेस्ट करते जाते हैं तो आप वेल्थ जनरेट करते हैं तीसरा एडवांटेज फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अगर पैसा दिखाई दे अपने अकाउंट में तो गैर ज़रूरी खर्च वो कर देते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर डेवलप होता है आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं बिना किसी रुकावट के या बिना किसी गैर ज़रूरी खर्च के ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से होता रहेगा तो आपको डेट भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है वो डिसप्लिन वे में अपने हिसाब से चलता रहता है इसके बाद चौथे एडवांटेज की मैं अगर बात करूं तो आप इसे बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं पाँच सौ से भी आप शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा होता है वो यही होता है कि आप जल्दी शुरू करें और लंबे वक्त तक इन्वेस्टेड रहें ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सकें तो इसी वजह से आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से वो हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार या पाँच हज़ार भी हो सकता है आखिर में हम बात करेंगे उन गलतियों की जो हमें नहीं करनी है एस के एस में इन्वेस्टमेंट करते वक्त तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं जब मार्केट डाउन होता है हम आ, उससे बाहर निकल जाते हैं तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट एवरेजिंग जो है यहाँ पे काम करती है आपके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है अगर आज मार्केट डाउन है तो कल वो अप होगी और इस तरीके से आपका जो एस है वो बैलेंस्ड वे में काम करता रहेगा आपके लिए इसीलिए जब मार्केट डाउन हो तो डर मत जाइए घबराइए मत और पैसे वापस निकालने की मत सोचिए दूसरी गलती हम करते हैं कि हम सिर्फ एक्सप्लोर uh, करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट कर दी हज़ार यहाँ इन्वेस्ट कर दिए हज़ार वहाँ इन्वेस्ट कर दिए उसके बाद हम देखते हैं कि हमें रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते नहीं है इसीलिए जब आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हो जब आपकी इनकम में इजाफा हो तो उसी के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी आप बढ़ाएं इसके बाद जो तीसरी गलती हम करते हैं वो ये होती है कि हम हाई रिटर्न्स के पीछे भागते हैं यहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए कि हम लंबे वक्त के लिए इन्वेस्टेड रहने वाले हैं इसीलिए सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ देखें जहाँ पे इंटरेस्ट आपको अच्छा मिले और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी हो आपके पैसे की क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि, कि हम बीस साल तक इन्वेस्टेड रहें और उसके बाद हमें बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़े तो ये वो तीन मिस्टेक्स हैं जो हमें कभी नहीं करनी है जब हम म्यूचुअल फंड में एस आई के द्वारा इन्वेस्ट करें तो आज के इस एपिसोड में हमने बात की एस के बारे में एस कैसे काम करता है किस तरीके से काम करता है क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और कौन सी वो चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है एस में निवेश करते वक्त आने वाले एपिसोड में ऐसी और भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेके हम आप तक पहुंचते रहेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया